बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है अल्लाह ताला फजल करम से आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज हम ब्लॉक्टो वॉलेट को क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हमने ब्लॉक्टो वॉलेट को जो है वो क्रिएट करना है। बिल्कुल सिंपल तरीक़ाकार है, कोई ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल से एक से दो स्टेप आपने कम्प्लीट करना है और आपका यहाँ पर वॉलेट जो है बिल्कुल आसानी के साथ क्रिएट हो जाएगा। तो किस तरह से आपने वॉलेट को क्रिएट करना है, तमाम तरीक़ाकार इस वीडियो में शेयर करूँगा। आपने वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आप दोस्तों को यहाँ पर इसकी समझ ले सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आएंगे, जो आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा ऐप का, इस पे आके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर पीसी है तो इस तरह से ओपन होगा। यानी जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप दोस्तों के सामने इसका मेन डैशबोर्ड जो है, अगर आपके पास यानी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है तो वो इस तरह से आप दोस्तों के सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वॉलेट डाउनलोड का। यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको वॉलेट डाउनलोड का। अगर आप पीसी से यानी कंप्यूटर वगैरह में इसको ओपन करते हैं तो सिंपल आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपको बताएगा कि आप यहाँ पे इसको ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यानी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन बता रहा है, ये देखें, ये सबसे पहले वाला ऑप्शन बता रहा है ऐप स्टोर का, दूसरे वाला यहाँ पर बता रहा है गूगल प्ले स्टोर का। यहाँ पर ये इस तरह से इसका डैशबोर्ड जो है वहाँ पर नजर आएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हम इसको गूगल प्ले स्टोर से जो है इसको डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सिंपल हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेम वही जाना है, अपना मोबाइल को ओपन कर लेना है। वहां पे जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा ना उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा इसके मेन जो होगा, यानी कोई भी ब्राउजर जो आप यूज कर रहे होंगे उस पर आपको ये रिडायरेक्ट करेगा। इस तरह से ये लिंक होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको किसी भी ब्राउजर से, चाहे क्रोम ब्राउजर हो या जो भी आप यूज कर रहे हो, इस तरह से आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसकी लैंग्वेज का, अगर आप यहाँ पर इसको इंग्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ये कट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ओपन दी ऐप, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपको नीचे मिल रहा है ओपन दी ऐप। ये देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ओपन दी ऐप का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको इस तरह से ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आके आपने ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, इस पर आके क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वॉलेट जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका वॉलेट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये इंस्टॉल होता है, नेक्स्ट मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसको ओपन करके। अब यहाँ पे देखिए हमारा वॉलेट जो इंस्टॉल हो चुका है, इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये ओपन वाले ऑप्शन पे आके मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे ये थोड़ी सी रीलोडिंग लेगा। ये देखें, रीलोडिंग ले रहा है। जैसे ही यहाँ पे ये ओपन होता है तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें आप दोस्तों के सामने ऑप्शन, मेन डैशबोर्ड जो है वो आ चुका है। यहाँ पर आके आपने क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि आपको ना तो यहाँ पे इसके कीवर्ड्स मिलेंगे, यानी कोई यहाँ पे इसके फ्रेजेस वगैरह कोई कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। सिंपल आपने इसको अपने ईमेल एड्रेस से ओपन करना है। जस्ट आपका ईमेल एड्रेस लगेगा और आपका यहाँ पे वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीक़ाकार है। यहाँ पे मैं आप दोस्तों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ पर देखें, ये ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मांग रहा है ना, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं अभी अपना ईमेल एड्रेस जो ऐड करूँगा और जैसे ही ऐड करूँगा ये देखें इस तरह से मैंने ईमेल एड्रेस ऐड किया तो यहाँ पर ये जो आपको एरो का निशान आ रहा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मेल बॉक्स में एक कोड चला जाएगा जिसको आपने यहाँ पे आके ऐड करना और आपका यहाँ पे वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जस्ट आपने टू स्टेप कंप्लीट करने और आपका वॉलेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद एरो पे क्लिक किया तो इसने ये देखें ये मुझे बताया कि आपके मेल बॉक्स में एक कोड सेंड कर दिया गया है, ठीक है, जो कि 6 डिजिट्स का है। ये देखें, इसने यहाँ पर यह भी बताया कि 6 डिजिट्स का एक पासकोड आपके मेल बॉक्स में सेंड कर दिया गया है, जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका वॉलेट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आके अपना पासकोड जो है वो यहाँ पे इंटर करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं अपना पासकोड जो है वो इंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, मैं अपना पासकोड इंटर कर चुका हूँ और यहाँ पर देखें, ये देखें आप दोस्तों के सामने मेरा सिंपल सा वॉलेट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, सबसे पहला न्यूज़ वाला, उसके बाद यहाँ पर डिस्कवर वाला, उसके बाद वॉलेट वाला और लास्ट में आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे न्यू है तो आपने वॉलेट पे आना है। यहाँ पे वॉलेट पे आके क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि ये 1000 पॉइंट्स है ये वॉलेट क्रिएट करने के लिए होते हैं कि आपको न्यू वॉलेट जो आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको हर वॉलेट पे 10 पॉइंट्स जो है वो कटते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ पे ये 1000 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखें मुख्तलिफ वॉलेट्स हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके प्लस के निशान पर क्लिक करके। ये एप्टोस वॉलेट है और ये मुख्तलिफ वॉलेट्स
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये जो APTS वॉलेट है इस पर आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा मेरा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया अब ये मुझसे अप्रूवल मांग रहा है। यहाँ पे आके मैं इसको अप्रूवल का ऑप्शन जो है इस पर अप्रूव पे आके क्लिक करता हूँ, ये जो आपको अप्रूव का नजर आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर यह बता रहा है आपके 10 पॉइंट्स जो है यहाँ से कट जाएंगे अगर आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर मैं अपने 10 पॉइंट्स जो है इसको कटने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग का ऑप्शन जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए मेरा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये देखिए क्रिएटेड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं वापस चलता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीकेकार था। और यहाँ पे देखिए मेरे 10 पॉइंट्स जो यहाँ से कट चुके हैं, 990 पॉइंट्स यानी 990 पॉइंट्स जो मेरे पास बाकी बच चुके हैं और यहाँ पे मेरा APT वॉलेट जो है वो बन चुका है। तो सिंपल सा वर्क है, बिल्कुल सिंपल वर्क है, यहाँ पे आपका वॉलेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप कहीं भी ब्लॉक्टो वॉलेट को जो है वो ऐड करने का ऑप्शन आता हो तो वहां पे आपने इसका ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना है। कहीं भी आपको ब्लॉक्टो वॉलेट का ऑप्शन आता है ना तो वहां पे आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है। आपको यहां पे जस्ट इसका जो एड्रेस होगा वो ईमेल एड्रेस ही होगा। ठीक है, आपने वहां पे वो वाला ऐड करना है। तो सिंपल सा वर्क था, बिल्कुल सिंपल सा काम है, इस तरह से आपने अपना वॉलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो सिंपल वर्क है, आप इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।